हेलो बडी। तो आज मैं बना रही हूँ गढ़वाली कफली सेम मम्मी के तरीके से। तो गाइस यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें राई का छौंका मारेंगे। और गाइस यहाँ पे हमने पालक को कट करके रखा हुआ था। अब हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गाइस हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हम सिर्फ नमक ही ऐड करेंगे, मिर्च मसाला कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। और इसको तब तक के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद गाइस हम साइड में एक बाउल लेंगे और उसमें हम बेसन एक स्पून बेसन लेंगे या दो स्पून भी ले सकते हो। फिर हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस हम यहाँ पे चावल का यूज़ भी कर सकते हैं। चावल को भिगोने के बाद उसको पीसा जाता है और फिर उसको कॉफ़ी के साथ मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पालक का अच्छे से कीमा बनाना है। और कीमा बनाने के बाद गाइस हम इसको जो बेसन का पेस्ट बनाया था हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे पास बेसन है तो मैं यहाँ पे बेसन को ही ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। इनको थोड़ा सा पानी को ऐड करने के बाद इसको ठीक से पकने देना है। पकने देने के बाद गाइस ये बन गया हमारी काफली। और इसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे और ग्रीन चिल्ली के साथ बहुत ही यम होता है। तो गाइस आप भी ट्राई करना। बाय बाय, लव यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।